समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा है शिकायत करने के लिए। ये देखिए हमारे सामने रविदास मल्होत्रा जी हैं, राजेंद्र चौधरी जी हैं, तमाम लोग हैं जो अपनी शिकायत करने पहुंचे हैं कि ठीक ढंग से चुनाव नहीं कराया जा रहा है। क्या कहना है, क्या शिकायत? आज जो है जो नगर निकाय के चुनाव थे ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं और चुनाव आयुक्त चुनाव निष्पक्ष कराने में पूर्ण रूप से असफल हो गए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर जनता को वोट डालने के अधिकार से रोका गया है और बहुत बड़े पैमाने पर लिस्ट में धांधली हुई है और जो लिस्ट हम लोगों को बाहर दी गई थी वो लिस्ट अलग थी और जो लिस्ट अंदर थी वो लिस्ट अलग थी। इस कारण से बहुत लोग चाह करके भी अपने मतदान का उपयोग नहीं कर पाए हैं। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या कहा? उन्होंने कहा हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उनको प्रूफ के साथ शिकायत दी और ये बात करी है कि इस पर जांच कराई जाए और जांच में जो लोग दोषी हैं, जो बीएलओ जो अधिकारी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। मेरे साथ राज्यपाल कश्यप जी मौजूद हैं, ये भी आए थे प्रतिनिधि मंडल में, क्या शिकायत थी? देखिए उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का प्रथम चरण का चुनाव, और जब से चुनाव चालू हुआ कहीं आरक्षण घोटाला किया, कहीं जब चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया उसके बाद में भी आरक्षण पूरा नहीं हुआ, और अब सरकार मनमाने तरीके से, प्रशासन के अधिकारी मनमाने तरीके से वोट काटे गए हैं, मनमाने तरीके से लोगों को धमकाया गया है और गुंडागर्दी की है बीजेपी के लोगों ने, बूथ कैप्चरिंग की है कई जगह पे। तो ये बीजेपी के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, हम लोग निर्वाचन आयोग से मांग की सख्त कार्रवाई करिए उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ। इस समय राजेंद्र चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं, वो प्रतिनिधि मंडल में आए थे शामिल होके और तमाम बातें उन्होंने की है, क्या शिकायत लेकर आते हैं? शिकायत उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो मजाक हो गया है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी है उसमें वो विफल, हमने मांग की जांच होना चाहिए। ये थे राजेंद्र चौधरी और सपा का जो प्रतिनिधि मंडल है वो राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा था शिकायत करने और उनका कहना है कि निष्पक्ष तरीके से जांच जो चुनाव है वो नहीं कराई गई है जिसकी जांच होनी चाहिए और उन्होंने राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक ज्ञापन देकर अपना शिकायत दर्ज कराई है। लखनऊ से कैमरामैन अरशद के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस।